हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 30 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 29 अक्टूबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, पौधों को जानिए। पानी जमीन पर गिरता है और पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित हो जाता है। जहाँ से पानी तने और पत्तियों तक जाता है, यह पानी वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर पत्तियों से वाष्प के रूप में वातावरण में चला जाता है। देखो क्या समझाया जा रहा है इसे, कि जब भी पृथ्वी पर धरती पर पानी गिरता है ना, तो ये पानी क्या किया जाता है, जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ये प्लांट की जड़ें हैं और इसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषित करने के बाद में ये क्या करता है, तने और पत्तियों तक पहुँचाया जाता है। अब इन पत्तियों पर भी, जो पत्तियाँ हैं इन पर छोटे छोटे रंध्र होते हैं, जिसके द्वारा ये पानी वापस से वातावरण में चला जाता है। एक बार फिर समझो, पानी जब जमीन पर गिरता है तो पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। यहां से क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। जहां से पानी तने और पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, तो यहां से तने में जाएगा, तनों से कहां जाएगा, पत्तियों में जाएगा। यह पानी वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर पत्तियों से वाष्प के रूप में वातावरण में चला जाता है। यहां से वापस निकलकर कहां चला जाता है, वातावरण में चला जाता है। देखो जल अवशोषण, जल को अवशोषण करना, रसारोहण क्या कहते हैं, जब ऊपर पानी चढ़ता है और जल का वाष्प के रूप में निकलना। अब हम देखते हैं वाष्पोत्सर्जन, वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे के वायवीय भागों से पानी या जल की बूंदों का वाष्प के रूप में ह्रास होना या नुकसान होता है। तो देखो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, जो पत्तियां होती है उसकी लीफ द्वारा, पत्तियां जो होती है उसके द्वारा पानी का बाहर निकलना, पौधों के अंदर जो पानी है उसका बाहर निकलना, उसे हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। पौधे के वायवीय भागों मतलब कि तना और पत्ती के द्वारा पानी या जल की बूंदों का वाष्प के रूप में ह्रास होना, वाष्प के रूप में बाहर निकल जाना, नुकसान होना, ये क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद देखो क्या कहा गया है, कि पत्ती में उपस्थित स्ट्रोमेटा द्वारा जल वाष्प वातावरण से बाहर निकलता है। ये देखो हम कई बार स्ट्रक्चर कर चुके हैं, ये पत्ती है, पत्ती में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहा जाता है, या क्या कहा जाता है, स्ट्रोमेटा कहा जाता है। इन रंध्रों के द्वारा क्या करता है, पानी जो है वो इन पत्ती के अंदर जो पानी होता है वो वाष्प बनकर उड़ जाता है, जिस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। क्या कहा जाता है इस प्रक्रिया को, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, अच्छे से समझ लिया, कि पानी का भाप बनकर उड़ना, पत्तियों के द्वारा पानी का भाप बनकर उड़ना स्टोमेटा के द्वारा या रंध्र के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। अब यहाँ पे देखो क्या दिखाया गया है, यहाँ पे एक पत्ती ली गई है, एक पौधा लिया गया और उसे क्या कर दिया गया, बांध दिया गया। अब बांधने से क्या होगा, देखो पत्तियों से क्या निकलेगा, ये पौधा अगर जमीन से लगा हुआ है, ठीक है, इस तरह से कहा गया है कि अब देखो पत्तियां क्या करेगी, वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस करते हैं, मतलब कि यहाँ से पानी उड़ेगा। अब यहाँ पे उड़ता है तो हमें पता नहीं लगता, लेकिन जब हमने इसके चारों तरफ पॉलीथीन बांधी तो पॉलीथीन के ऊपर क्या होगी, पानी की बूंदें आ जाती है। और ये प्रक्रिया क्या दर्शाती है, कि पत्ती क्या करती है, वाष्पोत्सर्जन करती है। दिए गए चित्र को देखिए और उत्तर लिखिए। देखो ध्यान से समझने, क्या कहा गया कि ये पत्ती है, अब यहाँ से पानी निकलेगा, वैसे वातावरण में अगर निकलेगा तो हमें उड़ता हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बहुत स्लो प्रोसेस होती है। लेकिन जब पत्ती के यहाँ पे पॉलीथीन बांधी तो पानी उड़कर कहाँ जाएगा, पॉलीथीन से चिपक जाएगा, तो हमें पानी की बूंदें इस पॉलीथीन पे दिखाई देगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को समझाने का प्रैक्टिकल हो जाएगा। अब देखो क्या कहा गया कि पत्ती के कार्य बताओ, पत्ती के क्या कार्य, एक तो भोजन बनाना पत्ती का मुख्य कार्य है, किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, एक वाष्पोत्सर्जन करना है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे पत्तियाँ पौधों के लिए भोजन बनाती है, कौन से प्रक्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण। आप ये भी चाहें तो ऐड कर सकते हैं कि पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करती है, पौधे के लिए भोजन बनाती है, और पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है। दो काम होते हैं पत्तियों के, एक तो क्या करती है, भोजन बनाती है, और एक क्या करती है, वाष्पोत्सर्जन में हेल्प करती है। क्या करती है, वाष्पोत्सर्जन में पत्तियाँ जो है वो हेल्प करती है। तो ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, आप इसको अपनी नोटबुक में लिखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा कि पत्तियों के क्या कार्य हैं। अब हम देखते हैं आगे की वर्कशीट, आगे देखो वर्कशीट में क्या कहा गया है, पौधे भोजन कैसे बनाते हैं। अब हम यहाँ समझते हैं कि जो पौधे हैं वो भोजन किस तरह से बनाते हैं, उसको हम अच्छे से समझेंगे। देखो पौधे अपना भोजन पत्तियों से बनाते हैं, पौधे का भोजन कहाँ से बनता है, पौधे के पास जो पत्तियाँ होती हैं वहाँ से वो भोजन बनाते हैं, क्योंकि वे भोजन मिट्टी या पानी से नहीं ले पाते, उन्हें भोजन मिट्टी या पानी से नहीं मिल पाता है। पत्तियाँ पौधों के लिए भोजन बना पाती है क्योंकि वे हरी होती हैं, पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है, क्यों, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है। देखो पत्तियों के पास क्या होता है, क्लोरोफिल, ये नाम याद कर लो आप, कि पत्तियों के पास क्या होता है, क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक होता है जो पत्तियों को हरा रंग लगता है। ये क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य से आने वाले प्रकाश को, ये देखो सूर्य से प्रकाश आ रहा है ना, उसको कैप्चर कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। पत्ती सूर्य के प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। याद करो पत्तियां क्या करती है, सूर्य के प्रकाश से,
पानी यहाँ से मिला उनको, कार्बन डाइऑक्साइड उनको यहाँ से मिली और उनके अंदर क्लोरोफिल उपस्थित होता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर, देखो ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान से समझो, ये है सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और क्लोरोफिल उनके अंदर होता है। ये सारी चीज़ें पत्ती सूर्य के प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ध्यान से समझो, जब पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों के पास क्लोरोफिल होता है और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण। इस क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अब कुछ सत्य और असत्य बताने हैं हमें कि सही है कि नहीं, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, पौधे, क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं। भोजन को एक पौधे बनाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसमें यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि पौधे को भोजन बनाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यहाँ पे ये कहना चाहता है कि पौधे को भोजन बनाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यहाँ पौधे कर लीजिएगा, पौधे को भोजन, यहाँ पे भोजन कर लीजिएगा कि पौधे को भोजन बनाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। नहीं, ऑक्सीजन तो क्या किया जाता है? रिलीज़ किया जाता है, बाहर छोड़ा जाता है भोजन बनाने के प्रोसेस में। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। असत्य लिख दीजिएगा या गलत का मार्क लगा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पौधे को मिट्टी द्वारा भोजन मिलता है? बिल्कुल भी नहीं, पौधे को मिट्टी द्वारा भोजन नहीं मिलता है। पौधे अपनी हरी पत्तियों से भोजन बनाते हैं? बिल्कुल सही, पौधे क्या बनाते हैं? अपनी हरी पत्तियों से भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है? बिल्कुल होती है, प्रकाश संश्लेषण में अभी हमने देखा सूर्य के प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पौधे को सूर्य से भोजन मिलता है? नहीं मिलता, बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो देखो, फर्स्ट का गलत हो जाएगा, सेकंड भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। थर्ड क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के सूर्य की आवश्यकता होती है, बिल्कुल, और पौधे को सूर्य से भोजन मिलता है? नहीं। तो ये हो जाएगी हमारी आज की वर्कशीट। वर्कशीट को कंप्लीट करके समझ के आपको ज़रूर करना है, तो वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।